जैसे कि आपको पता होगा कि किरण लक्ष्मी तो यहाँ से चले गए हैं ना, पर ये देखो किरण की याद यहाँ पे किरण होता है, ज्यादा पीते ऐसे होता है ये तो हम लड़की की झटक में झटक बढ़ गई, राधा हुई इसी लेवल से पांव दाल में और असली स्वाद मैं लूंगी, ये देखो जो पैरी राहुल छो मीनू जो खाता मिठा सब दे देने गट्टू ताई थे किनू मीनू भी ले गए सब ले गए आसपास के बुजुर्ग के जमा होगा जो वीडियो देखते हैं वो बोलता लगे बोलते कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो आता ही आता जब हम खाते तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह, सुबह भी नहीं भाई 11:15 हो गया है और अभी हम लोग ना धूप सेकने भारी बैठ गए थे, मैं नहाई नाश्ता वास्ता करके और बाहर ही बैठे हुए। तो चलिए फिर आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुलिया आप सभी को मेरा, तो होप आप सबके से एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। और अभी हाल फिलहाल मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए क्योंकि हम सुबह से बैठे बैठे ही रह गए, पता है कुछ नहीं कर रखा अभी तक। यहाँ पे देखो सबके सब बैठ ही रखे, दादी तो बेजरो से आ रही थी, दादी की तबीयत खराब थी थोड़ा सा तो इसलिए दादी आजकल इंजेक्शन लगवा रही हैं। और ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, पुनीत और ऋषभ। दादी को मकड़ा पता नहीं क्या हो गया था ना, है दादी क्या वाचा तुम थी मकड़ा हो गया तो ना है। और तो वो ऐसे परेशान हो गए और तो इंजेक्शन लगना चाहिए आजकल इसलिए कोई भी ना वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा बता हमारा भी तो कुछ काम नहीं हो रखा, दादी जी बैजरों से होके भी आ गई कोई बात नहीं बाबा, काम तो होते रहता है काम तो होता रहता है। अच्छा वीडियो बनाने से आज भी देखन बे बिल तो तब धन्यवाद बोल दे माँ अरे वीडियो में क्या धन्यवाद। और ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक खटाई का इंतजार कर रहे हैं कि खटाई कब बनेगी कब बनेगी, पर अभी के खटाई बनाना कोई प्लान नहीं बन रहा है अभी, ये आलसी फैला रखा अभी तक के खटाई बनाने माल्टू की। अच्छा माल्टू खटाई बना, अभी आए नहीं से मुन्ना चाचा। अच्छा मुन्ना ब्याह तब बना के तुम तोड़ के वही तभी चोला। और अभी यहाँ पे ऋषभ तो देख रहा था शादी की एल्बम और मम्मी वहाँ तोड़ रही है सब्जी, माँ तो धपड़ी बना रही है आज भी की मम्मी के लिए अच्छा। खाना मिला बुआ। चलो भाई अपन अब फटाफट से बर्तन धोता है और उसके बाद फिर मुझे धोने यहाँ पे कपड़े और फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं। मम्मी तो खाना वाना बनाएगी क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है आजकल खाना बनाने की। और आज सुबह सुबह ही भैया के जो ससुराल वाले थे वो सबके सब चले गए, भाभी इतना रो रही थी भयंकर और उनमें से कुछ मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का है ना। और क्या बोलते पुनीत लोग तो वहाँ गए थे, बोलते बहुत अच्छे से वहाँ सबकी खातिरदारी हुई थी तो बढ़िया लगता है ना। और वहाँ का इलाका भी बहुत अच्छा, मेरा ही मन कर रहा है वहाँ जाने का अब क्योंकि मैंने पुनीत की वीडियोस में देखा था ना, पुनीत ने स्टोरी वगैरह लगाई थी बहुत खुला खुला है तो मस्त लग रहा था वहाँ देखने में। तो कभी मैं भी जाऊँगी, सोच तो रही हूँ जाऊँगी, देखते कब तक प्लान बनता है उस साइड जाने का, घूमने का उस साइड एक्सप्लोर करने का। जैसे कि आपको पता होगा कि किरण लक्ष्मी तो यहाँ से चले गए हैं ना, पर ये देखो किरण की याद यहाँ पे। किरण जब यहाँ पे था तो उसने ना एक बार गन्ना खाया था और एक गन्ना लगा के गया था वहाँ पे, देखो बोरा वो है गन्ने का पेड़ जो वहाँ पे लगा हुआ है तो ये किरण ने लगाया था और आज उसकी दादी ने फिर हमको ये एक गन्ना काट के दिया है। किरण लक्ष्मी को तो हम भी याद करते हैं यार, अभी किरण का यहाँ पे चाचा है वो जो छोटा वहाँ पे गन्ने के पेड़ के सामने खड़ा है वो तो उसका चाचा है, अब हम गन्ना खाएंगे किरण की याद में। पता नहीं कब आएगा क्योंकि अब उनकी पढ़ाई शुरू होगी होगी ना, उसको स्कूल डालना था, लक्ष्मी को भी स्कूल डालना था, लक्ष्मी को तो नहीं किरण को, इसलिए वहाँ चले गए थे। उसका लगाया हुआ गन्ना कितना हो रखा है, मेहनती लोग अपनी मेहनत का तो हमने खाया नहीं क्या दथुर तोनी के पास है, अंदर देख अंदर देख, मम्मी को पूछ यही तो
पहले हमने किरण की मेहनत का फल खाया, मैंने तो नहीं खाया भी गन्ना क्योंकि मैं सूजी खा रही थी, इन दोनों ने खाया और ये पापा की मेहनत का है वे ये पेड़ पापा जी ने लगाया था और उसके बाद अब ये वाली मेहनत हम लोग करेंगे इसको बनाने की। अब तब खाएंगे भी हम वही हमारे इस वाले पेड़ पे इतने घोंसले, इतने घोंसले भाई साहब। एक तो हमारा पेड़ ऐसा है ना, इसमें इतने कांटे हैं। आ अब टूट रहा है। मलाई नु याचनो क्या पड़गड़ाई की होएगी। पहले मम्मी वो बना के रखती थी ना मोमबत्ती वाला, कहां वैसे ही लाती थी। कई कुछ मोमबत्ती और वो मलाई अजब की वैसे नहीं, क्या कदा महंगा छ 5-10 रुपए की दान से वही थे पर तब लोग हम मिल भी मलाई लगावे खुटु भरी गिचु बहुत भरी गलड़ु भरी। हमें मम्मी वो लगा के रखती थी पहले से ध्यान ही नहीं रहे जब बाजार जानता हफ्ता 15-20 दिन मोंदे ये तो मुंह बैठ गले की या फिर गरम पानी दे के कट के लगा दो पैन का नाम जी हमरे ये जंग को दो लाल मिर्च नंदी सुखी उन चुरी रहने वो मुंह मुंह किसको टेस्ट करना अच्छा आता है किचन में क्यों एक ही है किचन में ये सब कैरी पे सर नमक छह इसकी नीच ये मम्मी पर्ची भी नमक में डाल से कम से मिर्ची मिर्ची से ओ माँ गो ट्रू लव ताकि नमक नहीं हो चु वो ना नमक डाल नमक में खिलाओ नमक 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 नहीं ना नमक मिर्च कुछ ना अभी खाली नरगी की टेस्ट आनो बस नमक पड़ेगा हो मस्त मत नहीं खेया तो पापा जी के साथ खाइयो कटोरी एक और दे दे नहीं मैं इसमें खाऊंगी पर आपके मजे नहीं लेने हैं क्या जुकाम भी लगी है मेरे को वो दे नीचे का क्या सूप 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 ही लगन बढ़िया मिठा तो गरम कर दिया इन पता एंड में तर्री बड़ी होती है इसकी तो इन लोगों को तो मैंने कटोरी में पकड़ा दिया है और असली स्वाद मैं लूंगी ये देखो ये परात में मजे ही अलग है क्योंकि सारा रस पानी तो इसी में ही है ये लोग तो सूखे सूखे हो गए जो वीडियो देखते हैं वो बोलता लगे बोलते कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो आता ही कितना आता है जब हम खाते हैं लगाओ कितना स्वाद आ रहा होगा इमेजिन करो इमेजिन करो तभी तो पेड़ में नारंगियां कम होगी बेटे इमेजिन करो बस और आज कोई भी नहीं आया यहाँ एक्स्ट्रा बज गया। देखो अभी दिन के 3:30 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ बिस्तरों में घुसे पड़े क्योंकि बाहर ना धूप चली गई थी तो हम सब घुस गए और पापा जी आज गए थे फरसाड़ी, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था तो मैं गई नहीं, तो पापा जी वहां से जलेबी लेके आए थे, रंग बिरंगी जलेबी मोटी मोटी। मैं तो भूल ही गई थी कि जलेबी नाम की भी कोई बला होती है। Thank you.
अभी शाम के 4:30 हो रही है और सबके साथ देखो अपना कारोबार करके आगे इधर पे मम्मी आज सबको भुज्जी बांट रही है, भुज्जी क्या बांट रही है, मेथी बांट रही है पराठे अगले, और ताई जी इधर धनिया की गठरी बांध रही है। ये दिल्ली जाएगी है गट्टू ताई थे किनू मीनू भी ले गए सब लेगा तुम मजाक मजाक खक्सा तो क्योंकि ताऊ जी जा रहे दिल्ली और गट्टू ताई के लिए यहाँ पे सामान समेटा जा रहा है गट्टू ताई के लिए कंडाली की भुज्जी सब कुछ धनिया और देखो जिम्मी जिम्मी बीमार हो रखा है ना उसने मेरे मुंह से आवाज सुन दी देखो तो आज ये यहाँ पे बैठ गया भैया लोगों ने इसको नीचे भेजा है चुपचाप नीचे आ गया क्योंकि इसको पता ऊपर मैं काटा जाऊंगा आप तो लाए ना पर ऊपर जा रहा था पर भैया ने फिर उसको नीचे भगा दिया तो चुपचाप बैठा हुआ है आज चुपचाप बैठ गया और हमारे चूल्हे में आग भी जल गई अभी ताई जी पुनीत के हाल चाल पूछ रही है बल क्यों पी बोली थी तूने इतनी ज्यादा बल सबको सबको ऐसे लग रहा पी पाके कहीं लुढ़क तो नहीं गया ये उसने रील में गाना डाला वो भी कौन सा वाला बोतल की शराब और सबको लग रहा वाह पी के लुढ़क रहे हैं तो अब ये सो ही रखा है यहाँ पे देखना दिन ये ठंडू लग रहा ज्यादा पी के ऐसी तो होता है ज्यादा पी के ऐसे होता है लड़की झटक में लटक में झटक बढ़ गई झटक हो गई राधा इसी पाँव दर्द में लोगों ने बोला मुंह से क्या इस पाँव से ऐसी लड़की लड़की चाली पर मैं एल्बम देख ला जरा एल्बम ये बॉक्स है खूब गरम है हाँ है ना हाँ बोलिए सुन ले मैं उन्हें बोला होता है देखा देखा पता क्या एल्बम क्योंकि रोज ताई जी और आ तो रहे पर सबके सब भूल जा रहे हैं कि एल्बम देखनी है आज याद आ गई क्योंकि ऋषभ को दिखाने के लिए वो एल्बम बाहर ही रखी हुई थी इसलिए वो अब दिख जाएगी क्या चुमा ले ले मोटू हूँ सुमी मैम डिजन भर से हम मोट लो मोट गड़िया छु गलोड़ा का नगन जी बिकी कैसा ना हां मोटा हुया छी हां गलोड़ा यार ई बिकी कैसे मुह छु हुनी सकन बिकी कैसे हां मां का सुता तो मेरी बिकी कैसे आ गई काय पर मोट भी है बिकी गवर्नमेंट काय पर आनी सब बिकी रोहित पर है अच्छा आदी नब गड़ी बनी है ना स्माइल अच्छी छु एक स्माइल तो फोन हमारे पसंद का इस्माइल देख के तो लोग हमको भाई बहन बोलते कि तुम दोनों भाई बहन लगते हो जो पहरी राहुल शो जींस जींस आज गाला फैशन अच्छा बोल दी कि लहंगा इन पकड़ा तब खेस दिया पर ड्रेस बुरी तैयार हो जो मैं आई ओबे शक देखा शो लारा गाड़ के धैर्य लीवल ताल आयो पिसने के जने जबल हम चल गए बाबा चला के कैसे लम बनी टोटा दिया हां देखे तो यार ये मत बोली सेम किरण की घशेरी घशेरी मत किरण लान जन दूर बट किरण वाली बोले ये मैं वही किरण एल्बम है कि ई पूल में
पूजा याद आ गए थे, पूजा फोटो देख के आवाज मत दे रहे। पहली सूज रखा है, दोबारा सूज जाएगा फिर। ताई जी और भी रुक गए अभी एल्बम देखने के लिए। बस पूजा 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 अंधेरा भी हो गया है और ताई जी लोग भी आधी एल्बम देख के चले गए क्योंकि गाय भैंसों को घास भी देना होता है ना, इसलिए क्योंकि अभी पुनीत का पाँव सूजा हुआ था तो सब पुनीत के हाल चाल पूछ रहे। कल वो वहीं पे क्या बोलते, अभी उसके पैर की सूजन कम नहीं हुई है, हमने तो बोलता अभी एक्सरे करवा ले, फिर अभी देखते हैं अगर सूजन कम नहीं हुई तो ना। इस कमरे में परफ्यूम ही परफ्यूम की खुशबू आती रहती है पुनीत की वजह से।